Hello, my children. Welcome to class 7. My name is Atif Khan and you are watching your school YouTube channel SB Phule Timmalpatti. Children, today I shall teach you lesson first English NCERT textbook lesson first 3 questions. आज हम पढ़ेंगे NCERT English textbook का first lesson जिसका नाम है 3 questions. Lesson name is 3 questions. Okay, let's read. A king has three questions. एक राजा के पास 3 प्रश्न थे. And he is seeking answer. और वह उनका उत्तर चाहता था, वह उनका उत्तर प्राप्त करना चाहता था. Seeking means होता है पाना. वह उनका क्या करना चाहता था? उत्तर पाना चाहता था. To them, उनका. What are the questions? प्रश्न क्या है? What are the questions? प्रश्न क्या है? Does the king get what he wants? Does the king get? क्या राजा ने पाया? What he wants? जो वह चाहता था. Get means होता है पाना. Get means क्या होता है? पाना होता है. ओके, वेरी गुड. अब देखते हैं 3 क्वेश्चंस. द थॉट मींस होता है विचार, और थॉट मींस होता है सोचा भी होता है. द थॉट केम मींस होता है आया. कम का ये सेकेंड फॉर्म है. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग. कोई राजा के पास एक विचार आया. सर्टेन मीन्स निश्चित भी होता है, कोई भी होता है. तो किसी राजा के पास का एक विचार आया. दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी जो है असफल नहीं होगा. इफ ही न्यू, यदि वह जान जाता है क्या. 3 थिंग्स, 3 चीजें. वो कौन सी 3 चीजें हैं? दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीजें थी. क्या क्या थी? वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. मीन्स कह रहा है व्हाट इज द राइट टाइम, सही समय क्या होता है टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का. बिगिन मतलब होता है शुरू करना, समथिंग मीन्स कोई चीज. विच पीपल शुड ही लिसन टू. विच पीपल मीन्स कौन से लोगों को. शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए. मीन्स राजा को किन लोगों की बात को सुनना चाहिए और किन लोगों की बात को नहीं सुनना चाहिए. लिसन मीन्स होता है सुनना. व्हाट इज, ये दूसरा क्वेश्चन था. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उनको सुनना चाहिए, राजा को किन की बात माननी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है. फॉर हिम टू डू मतलब उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मतलब वो कौन सा काम करे, राजा कौन सा काम करे कि वो बहुत ही वो सबसे अच्छा हो, मतलब किस प्रकार का उसको काम करना चाहिए. द किंग, राजा, देयरफोर मीन्स होता है इसलिए होता है. राजा इसलिए क्या करता है. देयरफोर मीन्स अतः भी होता है और इसलिए भी होता है. तो राजा इसलिए, सेंट मीन्स सेंट, ये जो सेंड की जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई. सेंड मीन्स होता है भेजना, तो यहाँ पे सेंट लिखा हुआ मीन्स भेजा. मैसेंजर्स मीन्स होता है दूत, मतलब कि राजा अपने दूत को भेजता है. थ्रो आउट का मतलब होता है एवरीवेयर, इन ऑल डायरेक्शन मीन्स अराउंड, चारों तरफ अपने मैसेंजर्स को राजा भेजता है. हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के चारों तरफ अपने दूत को भेजता है, अपने मैसेंजर्स को. प्रॉमिसिंग, वादा करता है. अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. और प्रॉमिस करता है अ लार्ज सम ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा धन देने का वादा करता है. टू एनी वन, कोई अगर, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, अगर कोई इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो राजा उनको क्या करेगा, बहुत सारा धन देगा, बहुत सारा पैसा देगा. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग. मेनी वाइज मैन मीन्स बहुत सारे बुद्धिमान लोग क्या है, केम आए टू द किंग, राजा के पास. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड, वे सभी जो आए थे वाइज मैन, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, अपना उत्तर जो है क्या है, प्रश्न का उत्तर जो है क्या क्या है,
अलग अलग दिए. दे ऑल आंसर्ड, वे सभी उत्तर दिए हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, मीन्स राजा के प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, पहले प्रश्न के रिप्लाई में जो होता है जवाब देना, पहले प्रश्न के जवाब में क्या आता है, सम सेड, कुछ ने कहा, ये जो वाइज मैन आए हुए थे इन्होंने कहा, इनमें से कुछ ने कहा क्या, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को अवश्य ही एक क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. प्रिपेयर मिस होता है तैयार करना, टाइम टेबल मिस होता है समय सारणी भी होता है, तो टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब होता है दृढ़ता से, दृढ़ता से होता है, ठीक, कठोरता से. एंड देन फॉलो इट, फॉलो मिस होता है वैसे तो पीछा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर फॉलो मिस होगा पालन करना. एंड देन फॉलो इट, और इसका पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मीन्स दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इस तरह से, दे सेड मतलब कि इन्होंने कहा कि केवल इस तरह से, कुड ही डू एवरी थिंग इट्स प्रॉपर टाइम, वह जो है हर एक चीज को क्या है, इट्स एट इट्स प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पर, समय उचित समय पर कर सकता है. मीन्स उन्होंने कहा कि आपको राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, इस तरह से राजा जो है हर काम को जो है सही समय पर कर सकते हैं. अदर सेड, कुछ ने कहा, दो और बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यह असंभव है टू डिसाइड इन एडवांस, मीन्स कि फ्यूचर के बारे में अभी से डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो असंभव है. फ्यूचर के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मीन्स किसी काम को करने के लिए उचित समय फ्यूचर में जानना, ये तो इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को सभी चीज को नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ उनके दरबार में चल रहा था, जो बुद्धिमान लोग आए थे, जो अपना अपना उत्तर दे रहे थे, वे लोग जो है अपना उत्तर दे रहे थे, उन सबको क्या है ध्यान से सुनना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर, और मतलब अवॉइड करना चाहिए, हटाना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, फुलिश प्लीजर्स, मूर्खतापूर्वक जो प्लीजर्स है, आनंद है, उनको जो है अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, मीन्स ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, मीन्स हमेशा वो काम करना चाहिए जो क्या कर सिम्स प्रतीत हो, लगे नेसेसरी, हमेशा वही काम करना चाहिए जो आवश्यक लगे एट दैट टाइम, उस समय वही काम करना चाहिए जो जरूरी हो. येट अदर सेड, लेकिन जो येट फिर भी अदर सेड, और लोग के उन्होंने क्या कहा, दैट किंग नीडेड अ काउंसिल, द किंग नीडेड मीन्स राजा को जरूरत है एक काउंसिल, एक परिषद की, एक सभा की जरूरत है, मीन्स कुछ बुद्धिमान लोगों के एक संगठन की जरूरत है जो उनको टाइम टाइम से एडवाइस देते रहे. द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मीन्स बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की जरूरत है राजा को, हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी सहायता करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, मीन्स कि उचित समय पर कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, ये जो वाइज मैन रहेंगे राजा को सलाह देते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग राजा को काम करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि यह जो काम था, जो काम है, एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, एक ही आदमी सारे काम को डिसाइड नहीं कर सकता राइट, ओके करेक्टली, मतलब कि एक आदमी जो है सारे काम को डिसाइड कैसे कर सकता है, उसके पास एक ही आदमी के पास सारे एक्सपीरियंस होते नहीं है, किसी को इकोनॉमिक्स होता है, कोई सोशलिस्ट होता है, कोई पॉलिटिक्स होता है, तो हर तरह एक ही इंसान जो है हर तरह के निर्णय तो ले नहीं सकता, राजा को निर्णय दे नहीं सकता, राजा को एडवाइस दे नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, राजा को
अलग अलग क्षेत्र से कोई किसी को पॉलिटिक्स वाइज मैन और हर तरह के जो बुद्धिमान लोगों की एक सभा बनानी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए, उनको परिषद बनाना चाहिए और वो जो परिषद जो सलाह देगी और राजा को वही सलाह जो है उसी सलाह पर जो उनको काम करना चाहिए। बट देन अदर सेड दैट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन बट देन अदर सेड, लेकिन कुछ लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत ही अर्जेंट हो सकती हैं। तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये ऐसी चीजें होती हैं कि वो वेट नहीं कर सकती, इंतजार नहीं कर सकती, यू नो काउंसिल के डिसीजन का वो इंतजार नहीं कर सकती। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं, तत्काल वाली हो सकती हैं, मतलब कि अभी फैसला लेना है तो उसके लिए फिर तो बहुत ही मतलब कि उसके लिए काउंसिल का कोई मतलब नहीं। उसके लिए अगर काउंसिल बुलाएंगे, काउंसिल लाएंगे, सभी वाइज मैन आएंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो अर्जेंट काम में फिर काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह गया। ओके, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, और सही समय के निर्णय के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए जो सही समय का निर्णय करने के लिए, ये जो है काउंसिल बेटर नहीं हो सकती। और इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और भविष्य में देखने के लिए यह भी आवश्यक हो सकती है। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, भविष्य, इट इज नेसेसरी मतलब यह आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर मीन भविष्य के बारे में जानना, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और वो कहता है कि ओनली मैजिशियन कुड डू इट, कुड डू दैट, मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर होता है, और कहता है कि ये सिर्फ और किस कौन काम कर सकता है जो भविष्य के बारे में जान सकता है, वो मैजिशियन है। द किंग, राजा, देयर फोर, इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, उसलिए उसको जो है मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, राजा का जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर क्या आता है, सम सेट कुछ कहते हैं। जो राजा का जो दूसरा प्रश्न था वो क्या था, राजा कहता था कि वो किन लोगों की बात उनको सुननी चाहिए। ओके, विच पीपुल लिसन टू हिम, तो किन लोगों की उनको बात सुननी चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेट कुछ ने कहा दैट पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कुछ लोगों ने कहा कि लोगों की मतलब जनता की जो है बात जो है राजा को अवश्य सुननी चाहिए। वेयर वर हिज काउंसलर, और कुछ ने कहा कि जो उसके काउंसलर हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड और लोगों ने क्या कहा, द प्रिस्ट मीन्स पुजारियों की जो है बात माननी चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, लेकिन मीन्स कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए। एंड येट अदर सेट, लेकिन कुछ और भी थे उनमें, उन्होंने क्या कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उन लोगों ने कहा कि जो आपके सैनिक हैं वही क्या है महत्वपूर्ण है, वही क्या है आवश्यक है, आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा प्रश्न था कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सम सेड साइन, उन्होंने कहा कि आपको साइंस के क्षेत्र में काम करना चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, और कुछ ने कहा कि आपको क्या युद्ध करना चाहिए, लड़ना चाहिए अपने दुश्मनों से। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि आपको धार्मिक पूजा करनी चाहिए, रिलीजियस मीन्स होता धार्मिक, वर्शिप मीन्स होता पूजा, आपको धार्मिक पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज द आंसर्स, इस तरह से टू हिज क्वेश्चन, जो राजा के प्रश्न थे वर सो डिफरेंट, और उनका उत्तर जो था बहुत ही अलग अलग था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो है संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड मीन्स होता संतुष्ट। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को जो है कोई पुरस्कार नहीं दिया, रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड के बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, ही डिसाइडेड मतलब राजा ने निर्णय किया टू सीक पाने का द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कोई जो सन्यासी था उसकी एडवाइस पाने का उन्होंने निर्णय किया राजा ने। द
राजा ने किसी हर्मिट की, कोई हर्मिट था, उसकी एडवाइस पाने का निर्णय लिया। Who was widely known for his wisdom? Wisdom means होता है ज्ञान। जो अपने ज्ञान के लिए बहुत ही विख्यात हो, उस सन्यासी की एडवाइस लेने के लिए राजा ने निर्णय किया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। जो हर्मिट था, हर्मिट मीन्स होता है पुजारी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस आएगा वो सन्यासी आएगा। हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, एक जो सन्यासी था जो जंगल में रह रहा था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो जंगल छोड़कर वो कभी नहीं गया, मतलब वो हमेशा उसी जंगल में रहता था। ही सा नो वन, और उसने किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपल, जब भी किसी को देखा तो बहुत ही साधारण लोगों को देखा उसने जंगल में, और उसने किसी को नहीं, मतलब उसने कभी जो है राजा को नहीं देखा, रानी को नहीं देखा, किसी सैनिक को नहीं देखा, मतलब इन चीजों, इन लोगों को उसने कभी नहीं देखा। जब कभी उसने देखा सन्यासी ने, किसी साधारण इंसान को ही देखा जंगल में। एंड सो द किंग पुट ऑन, अच्छा, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना होता है, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण होता है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। इसलिए राजा ने एक साधारण सा कपड़ा पहन लिया। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट, बिफोर ही रिच मीन्स होता है पहुंचना होता है, बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट, हर्मिट्स की हट में सन्यासी की झोपड़ी से, हट मीन्स होता है झोपड़ी, हर्मिट की जो झोपड़ी थी उसके पास पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, मतलब अपने घोड़े से उतर गया, विद हिज बॉडीगार्ड, और अपने जो बॉडीगार्ड थे, उसके सैनिक थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया, कहा कि आप लोग मेरे पीछे मत आइएगा, आप लोग यहीं पर रहिए। एंड वेंट ऑन एलोन, और राजा जो है अकेले घोड़े पर से उतर कर, राजा अकेले उस हर्मिट के पास जाता है। एज द किंग केम, जैसे ही राजा आया, नियर द हर्मिट्स हट, मतलब सन्यासी की झोपड़ी के पास, ही सा उन्होंने देखा, द हर्मिट डिगिंग, जो सन्यासी था वो डिगिंग मतलब खोद रहा था, द ग्राउंड जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग। ही ग्रीटेड मतलब कि वह राजा का अभिवादन किया, ठीक, एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग, और फिर वह क्या है, खनने लगा, खोदने लगा। द हर्मिट्स वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था, सन्यासी जो था, ओल्ड था, बूढ़ा था, एंड वीक, और बहुत ही कमजोर था। एंड एज ही वर्कड द ही ब्रेथ हैवली, और जैसे ही वो काम कर रहा था, उसकी सांस वो जो है बहुत ही तेजी से ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट्स, राजा जो है हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, मतलब टू आस्क यू, आपसे पूछने, टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता, मैं ये जानने आया हूँ कि किसी काम को करने के लिए उचित समय कौन सा हो सकता है। हु आर द पीपल आई नीडेड मोर, मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंस, और मैं अफेयर्स में सोता काम, और मुझे कौन सा ऐसा काम करना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, मीन्स मैं कौन सा काम करूं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट है लिसन सुनता है, राजा को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन हर्मिट कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन हर्मिट ने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर वो जो है खोदने लगा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे जो है फावड़ा दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अब मुझे अपने जगह पर मुझे काम करने दो, मुझे फावड़ा दो, मुझे खोदने दो। थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा शुक्रिया, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने स्पेड को, अपने फावड़े को राजा को देते हुए हर्मिट ने कहा थैंक्स। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर जो है हर्मिट बैठ जाता है ग्राउंड, जमीन पर।
when the king had dug two beds, जब when the king had dug two beds, जब राजा ने दो beds उतनी जगह में दो खाट की चरपाई की जगह उतना राजा ने खोद दिया, he stopped, राजा रुक गया, and repeated his question, और राजा ने फिर अपना प्रश्न को दोहराया, the hermit gave no answer, और जो hermit था उसने कोई उत्तर नहीं दिया, give means होता है देना, but stood up, लेकिन क्या है खड़ा हो गया, stretching out his hands, अपने हाथ को फैलाते हुए, for the spade, फावड़े के लिए, and said, now you rest, और कहता है hermit, now you rest, अब आप आराम करें, and let me work, और मुझे काम करने दें, but the king did not give him the spade, and continued digging, but the king did not give him, लेकिन राजा जो है, हर्मिट को स्पेड नहीं देता है स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग और वो लगातार खनते रहता है लगातार खोदते रहता है जमीन को वन और पास्ट एक घंटा बीत गया देन अनदर और दूसरा घंटा भी बीत गया द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज और जो सूरज था वो जो है बिहाइंड द ट्रीज पेड़ के पीछे जो है नीचे चला गया मतलब कि सूरज जो है अब डूबने लगा एंड एट लास्ट और अंत में द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड एंड लास्ट और अंत में राजा ने क्या किया द किंग स्टक द स्पेड और फावड़े को क्या जमीन में फंसा दिया इन टू द ग्राउंड जमीन में फंसा दिया धसा दिया मीन्स फावड़े को जमीन में धसा कर क्या फंसा दिया एंड सेड और कहा आई केम टू यू मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति फॉर An answer to my questions, अपने प्रश्नों का उत्तर के लिए अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ If you can give me no answer, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं Tell me so, तो मुझे आप बता दीजिए And I will return home, मैं घर वापस चला जाऊंगा Here comes someone running, said the hermit. Hermit ने कहा यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है Said the hermit, here comes someone running, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है Now, first part of this chapter has been completed. In next part, we will meet come soon. Okay, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भरसक प्रयास करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो